अब हम बात कर रहे हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस या ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। देखिए किस बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केंद्रक या जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस या कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोशिका की सभी जो कारकीय प्रक्रम है, प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उनको कंट्रोल करता है। एक साइंटिस्ट थे हैमरलिंग, उन्होंने एसिटा बुलेरिया एक एल्गी उस पर काम किया था, उससे इन्होंने प्रूव किया था कि कैसे ये कंट्रोल करता है। हालांकि वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, हम अपन कंसाइज फॉर्म में चलते हैं। तो यहाँ हम देखें व्हाई वी कॉल इट ब्रेन ऑफ द सेल, क्यों सेल जैसे है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बेसिकली डीएनए का बना होता है। डीएनए से क्या बनाएंगे, ये आरएनए। आरएनए तीन तरह के, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पर रहते हैं न्यूक्लियर पोर। पोर के थ्रू कहाँ जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाएगा, ये आपका साइटोप्लाज्म रीजन आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गए। दिस इज व्हाट वी हैव, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पे क्या होगा, ये राइबोसोम जुड़ जाएंगे, ये एमआरएनए है, और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। क्या होगी, यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोटीन का संश्लेषण होगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं अपन, तो हमने देखा कि जो प्रोटीन बन रही है यहाँ पे, जो एंजाइम बनेंगे वो सेल की सभी प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, इसलिए इसको मस्तिष्क ऑफ द सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क। अब हम बात करेंगे कि साइंटिस्ट, सबसे पहले साइंटिस्ट आएंगे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने पहली बार देखा था। इसके बाद साइंटिस्ट आए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने कुछ रंजक यूज किए थे, डाई यूज की थी, इन्होंने क्या हुआ, कुछ रंजक या हम कहें कलर यूज किया था, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ अवरंजित संरचनाएं हैं। क्या होता है, अवरंजित संरचनाएं हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया क्रोमेटिन। इसके लिए कैसे इन्होंने अवरंजन किया था, तो इन्होंने कुछ क्षारीय अभिरंजक यूज किए थे। कैसे अभिरंजक, क्षारीय अभिरंजक कहें, कलर कहें, एक ही बात है, बेसिक डाई, नाम एसिटोकार्बिन और फ्यूजन। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये हैं क्षारीय अभिरंजक, ठीक है। तो यहाँ पे जो धागेनुमा संरचना होती है इसको उन्होंने कलर किया, इसको कहा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन उन्होंने कहा कि धागेनुमा संरचना है, तो इन्होंने जब कलर डाला तो उसमें कुछ पार्ट जो था, कुछ पार्ट कैसे हुआ, डार्क कलर ले लिया, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया क्रोमेटिन का, कुछ पार्ट लाइट कलर रहा। तो जो पार्ट लाइट कलर का रहा उसको बोलते हैं यू क्रोमेटिन, और जो डार्क कलर का है उसको बोलते हैं हेटरोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको, हेटरोक्रोमेटिन कहते हैं। अब जो ये जो हेटरोक्रोमेटिन होते हैं, ये पार्ट कैसा होता है, ये इसमें क्या है कि संघनन ज्यादा होता है, अधिक संघनन संघनित होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये सब, टाइटली पैक्ड होते हैं, डन। तो ये कैसे होते हैं, ये पार्ट जो है अत्यधिक संघनित होते हैं,
और दूसरे वाले कैसे होते हैं, ये शिथिल होते हैं, शिथिल मतलब ये लूज होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, आनुवांशिक रूप से कैसे होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं, और ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया, डन। तीसरा, अब आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय का मतलब क्या, तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्शन, और इससे कहलाता है ट्रांसलेशन। तो इनमें निष्क्रिय मतलब इसमें ना ट्रांसक्रिप्शन होता है ना ट्रांसलेशन होता है, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता इस खंड से, इस भाग से, जबकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा, मतलब यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण करने की इनमें क्षमता है, इसलिए कैसे हो गए, सक्रिय हो गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये सक्रिय निष्क्रिय का ये मतलब होता है। ये कैसा कलर लेते हैं, कैसा कलर ले रहे हैं, ये गहरा रंग ले रहे हैं, ये कैसा कलर ले रहे हैं, हल्का रंग ले रहे हैं, इसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा है, डन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी नंबर के बारे में कि न्यूक्लियस का नंबर कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। चलिए इनकी संख्या की बात कर लेते हैं, संख्या, तो जनरली एक सेल में वन न्यूक्लियस पर सेल, यानी कि एक कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन पैरामीशियम की हम बात करें, पैरामीशियम की हम बात करें, तो उसमें क्या होता है, टू न्यूक्लियस पर सेल, यानी कि पैरामीशियम की एक कोशिका में दो न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट, बहुकेंद्रकीय, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे केंद्रक, ठीक है, इसी कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक। तो क्वेश्चन आता है कि बहुकेंद्रकीय, बहुत सारे केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं, तो आपने नारियल का जो पानी होता है, नारियल पानी, उसको बोलते हैं भ्रूणपोष, नारियल के पानी को हम कहते हैं भ्रूणपोष। तो नारियल का जो भ्रूणपोष है, अर्थात जो पानी है, उसमें बहुकेंद्रीय अवस्था पाई जाती है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, नारियल का तरल, तरल भ्रूणपोष, यानी कि जो पानी है उसमें तरल भ्रूणपोष। दूसरा, आपने नाम सुना होगा शायद राइजोपस, ओपेलिना, ये सब राइजोपस क्या है, फंजाई है, इसमें भी होते हैं। बाउचेरिया, बाउचेरिया एल्गी होती है, उसमें भी होती है। तो ये सब कैसी हैं, आपके सिलेबस में नारियल पानी और राइजोपस दो याद कर लें, जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इनकी संख्या के बारे में कि इनकी संख्या कैसे होती है, कितनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी संरचना के बारे में, कैसे दिखते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। चलिए तो से ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ये सभी यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। कहाँ नहीं पाए जाते हैं या कहाँ अनुपस्थित होते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो इसके एग्जांपल होंगे आपकी जो परिपक्व आरबीसी होती है उसमें नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते हैं, परिपक्व आरबीसी, किसकी, मानव की। दूसरा, परिपक्व जो चालनी नाल है, फ्लोएम का पार्ट है चालनी नाल, उसमें भी नहीं पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक
कोशिका में भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गया कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ये लगभग सभी ये अपवाद हो गए, ये अब यूकैरियोटिक सेल है लेकिन अपवाद है, ये भी यूकैरियोटिक सेल है लेकिन अपवाद है, तो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो हमने देखा, अब हम संरचना डिस्कस करेंगे। अब हम इनकी संरचना की बात कर रहे हैं, तो संरचना में क्या होगा, ये आपका है केंद्रक, ठीक है ठीक है। अब इसमें ये क्या है, ये है बाहरी केंद्रक कला, ठीक है। ये क्या है, ये है आंतरिक केंद्रक कला, ठीक है। तो इसमें दोहरी कलायुक्त होता है, बाहरी केंद्रक कला और आंतरिक केंद्रक कला। इन दोनों के इस बीच में जो अवकाश है इसे कहते हैं परिकेंद्रीय अवकाश, परिकेंद्रीय अवकाश। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो कह रहे हैं कि दो मेम्ब्रेन के बीच का स्थान अवकाश उसे कहते हैं परिकेंद्रीय अवकाश, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसकी जो चौड़ाई है कितनी होती है, उसकी चौड़ाई होती है 10 से लेके 50 nm, इसकी चौड़ाई होती है कितनी होती है 10 से लेके 50 nm, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, इसके अंदर जब जाएंगे तो क्या है, इसके अंदर भरा हुआ है केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव होता है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर है केंद्रिका, केंद्रक के अंदर क्या होती है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ठीक है न्यूक्लियस हो गया। और क्या है, धागेनुमा संरचना जिसे कहते हैं क्रोमेटिन, धागे नुमा संरचना। और क्या होगा, इनमें क्या होता है कि यहां पर होते हैं पोर, देखिए क्या दिख रहे हैं आपको, यहां पे क्या दिख रहे हैं आपको, पोर दिख रहे हैं, इन पोर को बोलते हैं केंद्रक, केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर, ठीक है। क्रोमेटिन जो है किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये बने होते हैं, इनका अधिकतर भाग बना होता है डीएनए और स्टोन प्रोटीन से, ठीक है। और कुछ अमाउंट, कुछ भाग किसका है, अधिकतर भाग तो डीएनए हो गया, स्टोन प्रोटीन हो गई, कुछ भाग आरएनए और नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन से बना होता है, एनएससी। तो देखते हैं एक एक करके किस तरीके से संरचना है, और इसकी जो बाहरी कला है वो कहीं ना कहीं ईआर से जुड़ी रहती है, आरईआर एसईआर। इसकी बाहरी कला पर राइबोसोम भी पाए जा सकते हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, राइबोसोम, ठीक है। अब देखिए, तो ये संरचना जो है ये कहाँ की संरचना है, ये है जब अविभाजन अवस्था में न्यूक्लियस होता है, किसमें होता है, अविभाजन अवस्था, या हम कहें इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज अंतरावस्था में संरचना में क्या क्या दिखाई देगा। तो इसमें दिखाई देगा आपको पहले क्या, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केंद्रक कला, केंद्रक कला। तो कैसी कला होती है, इसमें दोहरी केंद्रक कला होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है जो एक दूसरे के समानांतर चल रही है, देखिए कैसे चल रही है, जो एक दूसरे के कैसे हैं, समानांतर हैं, ठीक है। और क्या देख पा रहे हैं, यहां से कोई चीज, ये आपका कोशिका द्रव वाला भाग है, कौन सा पार्ट है ये, ये पार्ट है कौन सा, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। तो कोई भी पार्ट यहां से यहां जाना होगा तो ये रुकावट पैदा करती है, ठीक है। ये कोशिका द्रव व केंद्रक के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को क्या करती हैं, रोकती हैं,
होती हैं, तो ये रुकने काम इनका बैरियर की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट आपका है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, बाहरी केंद्रक कला। तो बाहरी केंद्रक कला की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी बाहरी सतह पर क्या होते हैं, सतह पर क्या हो सकते हैं, राइबोसोम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं। तो राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, और दूसरा क्या है कि ये किससे जुड़ी रहती है, ER से, दिस इज व्हाट वी हैव, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ER से सतत रूप से जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है। ये बाहरी केंद्र कला के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, आंतरिक केंद्र कला बाहरी से, बाहरी केंद्र कला से क्या होता है कि समानांतर होती है, कैसी होती है, समानांतर होती है। तो ये हो गया आंतरिक केंद्र कला के बारे में। अब परकेंद्रीय अवकाश क्या है उसको यहीं समझ लेते हैं। दो झिल्लियों के बीच, दो कलाओं के बीच, दो मेम्ब्रेन के बीच जो अवकाश है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस या परकेंद्रीय अवकाश बोलते हैं। और इसका डायमीटर कितना आया था, इसकी चौड़ाई 10 से 50 nm, नैनोमीटर, गॉट इट। तो ये इसकी हो गई। अब हम बात करें केंद्रक द्रव्य। केंद्र द्रव्य कैसा होता है, केंद्र द्रव्य, तो केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य केंद्र द्रव्य कहलाता है। ये कैसा होता है, ये होता है पारदर्शी, कोलाइडल, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं और क्रोमेटिन होते हैं। क्या होता है, केंद्रकार या न्यूक्लियस व क्रोमेटिन, गुणसूत्र तंतु, क्रोमेटिन को बोलते हैं गुणसूत्र तंतु। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे केंद्रिका के बारे में। केंद्रिका, चलिए केंद्रिका के बारे में यही बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट केंद्रिका के बारे में, केंद्रिका एक तो क्या है कि ये इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है, कैसे होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है यानी कला विहीन। कैसा होता है, ये मेम्ब्रेन लेस यानी कि इसमें झिल्ली या कला नहीं होती है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं साइट ऑफ, अब कला नहीं होती है इसलिए इनके जो भी पार्ट हैं वो न्यूक्लियोप्लाज के सतत संपर्क में रहेंगे, तो इसलिए इसके यह इसके सभी भाग केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट इसको बोलते हैं RRNA यानी कि राइबोसोमल RNA का निर्माण स्थल, यानी कि RRNA का निर्माण जो है वो यहीं पे होता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इनकी संख्या के बारे में बात करें तो इनकी संख्या उन कोशिकाओं में ज़्यादा होगी जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं राइबोसोमल RNA, RRNA, जहाँ राइबोसोम होंगे वहाँ प्रोटीन ज़्यादा बनेगी, और ये राइबोसोम को बना रहे हैं, तो
तो नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ इनका न्यूक्लियोलस केंद्रिका ज्यादा तो राइबोसोम का नंबर ज्यादा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी ज्यादा होगा। तो देखिए कैसे, तो इनके हम आकार की बात कर रहे हैं व संख्या की बात कर रहे हैं। तो इनकी आकार व संख्या कैसी होती है, अधिक होती है किन कोशिकाओं में, उन कोशिकाओं में जो, या हम कहें उन सेल्स में जो सक्रिय रूप से किसमें इन्वॉल्व है, प्रोटीन संश्लेषण कर रही है। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये ज्यादा होंगे, नंबर ज्यादा होगा तो ये राइबोसोम बनाएंगे, और राइबोसोम बनाएंगे तो प्रोटीन ज्यादा बनेगा। इस तरीके से इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो ये अपना समझ में आया कि नहीं आया, तो ये किस तरीके से होगा, ठीक है, डन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमेटिन की। तो क्रोमेटिन के देखें, क्रोमेटिन को हम बोलते हैं गुणसूत्र तंतु, क्रोमेटिन, ऐसे क्या बोलते हैं, गुणसूत्र तंतु। किसने देखे थे ये, हमने अभी आपको बताया था, ये देखे थे फ्लेमिंग ने, कब देखे थे, 1879, इन्होंने कुछ क्षारीय अभिरंजन यूज किया था, फिर उन्होंने देखा था कि क्या देखा इन्होंने, कि धागे नुमा संरचना, धागे नुमा संरचना जो पाई जाती है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, इसी को उन्होंने क्या दिया, क्रोमेटिन, ठीक है। अब क्रोमेटिन किसके बने होते हैं ये देखना पड़ेगा, तो ये बने होते हैं डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन मुख्यतः। तो ये क्रोमेटिन किसके बने होते हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसके बने होते हैं, तो ये मुख्यतः सबसे ज्यादा पार्ट किसका होता है इसमें, डीएनए और क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन। इस डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है और स्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हैं, तो क्रोमेटिन को यह भी कहा जाता है कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हैं, किसके बने हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हैं, ठीक है, ओके। लेकिन कुछ भाग आरएनए का भी होता है, और क्या होता है, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन एनएससी, एनएससी मतलब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएचसी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हिस्टोन जो है वो क्षारीय प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, और ये वाली जो है वो अम्लीय होती है, एनएससी कैसी है, अम्लीय प्रोटीन है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, तो ये जब ये में संघनन हो जाता है, संघनन मतलब जब ये मोटे हो जाता है उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। सबसे अच्छे क्रोमोसोम कहाँ दिखाई देते हैं आपको, कोशिका विभाजन की अवस्था है उसे कहते हैं मध्य अवस्था। तो ये क्वेश्चन भी तगड़ा है कि सबसे अच्छे क्रोमोसोम आपको कहाँ दिखाई देंगे, कोशिका की मध्य अवस्था में। तो ये आपका हो गया डन, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, केंद्रक छिद्र क्या है, केंद्रक छिद्र, ओके। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं यही बात कर लेते हैं। तो सेल के अंदर, ह्यूमन सेल में 2n = 46 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, या 23 किसके रूप में जोड़े हो सकते हैं। तो इन सब में निकाला जाए डीएनए कितना है, तो इसमें डीएनए आता है लगभग सभी क्रोमोसोम का डीएनए निकालेंगे, फिर उसकी लंबाई नापेंगे, उसकी लंबाई होती है लगभग कितनी होती है, 2.2 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रक छिद्र के बारे में, किसके बारे में, केंद्रक छिद्र, यहां देख लेते हैं केंद्रक छिद्र के बारे में,
या जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो छिद्र की हम बात करें तो ये क्या है, ये जहां पर इन दोनों मेम्ब्रेन का विलय हो रहा है, फ्यूज हो रही हैं, तो वहां पर इनका निर्माण होता है, किसका, केंद्रक छिद्र का। या हम कह सकते हैं कि जो ये तो कंटिन्यूस है मेम्ब्रेन, लेकिन कुछ जगह पे क्या है, रुकी हुई है, रुकावट है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या क्या कह सकते हैं केंद्रक कला है, कुछ स्थान पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र कहते हैं। ये दोनों कलाओं के कैसे बनते हैं, दोनों कलाओं के विलय, विलय मतलब फ्यूजन से बनते हैं। अब इनके कार्य की बात कर लेते हैं, इसके हम किसकी बात कर लेते हैं, कार्य की। तो कार्य में बता दूं कि यहाँ पे डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन तो यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज कहाँ से, न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म, ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है अपना कौन सा, कोशिका द्रव्य वाला भाग, साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ से कोई चीज़ जैसे कि आरएनए है, आरएनए इधर आएंगे, यहाँ प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन भी उधर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, प्रोटीन कहें या एंजाइम, दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं मतलब बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं या स्थानांतरण होता है, चाहे यहाँ से यहाँ आना हो या यहाँ से यहाँ। क्योंकि हम बता दें आपको कि ये क्रोमेटिन किससे बने हुए हैं, डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से, तो स्टोन प्रोटीन तो यहाँ बनेंगे, तो यहाँ से कहाँ जाएंगी, अंदर की तरफ, आरएनए यहाँ बनता है वो आएगा बाहर की तरफ। तो इस तरीके से दोनों दिशाओं में यानी कि दोनों डायरेक्शन में इनका एक्सचेंज होता रहता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया केंद्रक के बारे में।